İstanbul gibi şehir hiç yok sanmam. İçinde tarih ve milyonlar var. Şarkılar hep bu şehri anlatıyor. Bak huzur verir bu şehrin parçası olmak. Bu şehirde yaşayıp surat asan olamam. İstanbul takımı tutar ama bok atar. Herkesin olmak istediği yer tabii memleketin daha güzel. Tamam o zaman İstanbul dünyanın başkenti. Küçüklerde yaşıyorsun ama ben değil. Ya şehri yenersin ya da tam tersi. Pardon da diğer şehirler çoktan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kya hal hai dosto? Umeed karta hu aap sab khairiyat se honge. Abhi jo hai main idhar Eminonu aaya hua hu. Ghar pe na raat ko hi jata hu. To Eminonu jo hai is time ka lo kafi dhoop nikli aaj aur mausam jo hai hawa bhi chal rahi hai thodi bahut. Samundar ke kinare pe hu main abhi. Idhar samundar ke paas baith kar hawa lene ka jo maza hai na wo bahut hi zabardast hai. बैठते हैं तो ये आप देख सकते हो तो शिप वगैरह लगे हुए हैं इधर थोड़े सामने एक लटा टोवर है और ये Eminonu और काला कोई सब खुल है इस शिप में बैठ के जाने का आगे इरादा है मेरा भी वो उस तरफ के सामने जजीरा देख रहे हो आप वो उसको दर है उससे थोड़ा आगे एक और जजीरा है कादिकोय तो वहाँ जाने का इरादा है समंदर की लहरें आप देखो कितनी ज़बरदस्त हैं अभी जो है हम ये Eminonu पुल के इधर से गुजर रहे हैं मेरे साथ जो है आसिफ आज भी ये आप रेस्टोरेंट इधर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हैं इधर की ये ख़ास बात ये है कि जो डबल रोटी है ना उसके अंदर कह लो मछली डाल के उसको बले की कीमत बोलते हैं ये ऊपर आप देख भी सकते हो काफ़ी जगहों पे नाम भी लिखा हुआ है आ रहा है बले मतलब ये जितने भी इधर पीछे आप रेस्टोरेंट देख रहे हो ना मेरे ये सब करो इसी के लिए ख़ास बने हुए हैं मछली वाले के लिए क्योंकि इस तरफ आप देख सकते हो समुंदर है यार शॉट ये आप देख सकते हो इस तरफ सारा समुंदर है उस तरफ ना ज़रा रोशनी है सूरज की काफ़ी ज़्यादा तो वीडियो जो है ना अच्छी नहीं बन रही तो इसलिए मैंने सोचा कैमरे को जो है ना इस तरफ ही कर लूँ ये आप देख सकते हो पीछे की तरह हवा जो है ना कह लो बहुत ज़बरदस्त चल रही है जैसी चलनी चाहिए कह लो और पुल के ऊपर अगर बात की जाए ना पुल के ऊपर लोग जो है मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं नीचे से क्योंकि मछलियाँ पकड़ना इधर का एक बहुत ही ज़्यादा आम सा मसला है कह लो मुश्किल है कह लो जिस पॉइंट पे मुझे आना था ना मैं उधर पहुंच गया हूँ तकरीबन और अभी Kadikoy जाने का इरादा है लेकिन Kadikoy का जो भी शिप है उसमें अभी 5-10 मिनट आए उसके आने में तो मैं सोचा तब तक चलो इधर से थोड़ी वीडियो बनाते हैं तो ये पॉइंट था जिस पे मैं आने का सोच रहा था ये भी आप देख सकते हो ये पीछे सारा पुल है ये आप देख सकते हो लोग इधर मछलियाँ पका रहे हैं पुल पे खड़े होके जो है ना तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैं Eminonu आया हुआ हूँ ये वाला जो शिप लगा हुआ है Kadikoy का इस शिप में जो है ना हमने उस जजीरे पे जाना है सामने उसको दार भी है लेकिन अभी जो है आज हमने Kadikoy के जजीरे पे जाना है तो ये दूरबीन है वैसे आपको पता ही है इसमें अगर 1 रुपये का सिक्का डालो तो आप जो दूर का मंजर है वो बड़ा ज़बरदस्त देख सकते हो आज हवा भी जो है कह लो बहुत ज़बरदस्त चल रही है मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत हुआ है तो चलते हैं अभी उस्कुदार की तरफ तो देखते हैं पहले वैसे उस्कुदार ही आएगा उस्कुदार के बाद जो है हम Kadikoy पहुँचेंगे तो आपसे जो है अभी शिप में मिलते हैं भी आप देख सकते हो अभी खाली हो रहा है
हवा जो है ना आज दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है और मौसम जितना अच्छा इसकी तारीफ की जाए मौसम की आज कल बहुत कम है। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे इस मौसम को एंजॉय करते हुए ना। तो अभी शिप भी लग गया तो अभी जो है ना चलते हैं शिप की तरफ और कादिकोय के लिए निकलते हैं। शिप के पास जो है मैं आ चुका हूँ तकरीबन, तो रश भी जो है कह लो काफ़ी लगा हुआ है, ये आप देख ही सकते हो। तो चलते हैं अंदर और इन्जॉय करते हैं इस राइड को अपनी। रश की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो। शिप के टॉप फ्लोर पे हूँ फिलहाल मैं, थोड़ा सा आपको शिप का विज़िट कराता हूँ। कह लो काफ़ी बड़ा शिप है ये, शिप इस टाइम जो है ना कह लो इस तरह बहुत ज़्यादा झूल रहा है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो मतलब पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। और शिप में अगर लोगों के रश की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ है इस टाइम, काफ़ी जो है कह लो इधर टूरिस्ट हैं। अगर आप देख रहे हो पुल जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो पुल है ये हलीश पुल है इसका नाम, और ये गलाटा टोवर है। इस तरफ जाना है हमने पीछे की तरफ, वो पीछे जो है एक तरफ जजीरा है उसके उधर साइड है इस्तांबुल की, और हमने जो है कादिकोय जाना है, कादिकोय जो है थोड़ा इससे आगे है उसको दार है, और ये छोटा सा घर आप देख रहे हो इसका नाम किस कुलेसी है ये वाला, किस कुलेसी कह लो, अंदर एक होटल बना हुआ है। मैं जब भी इस पे जाने के लिए उधर आता हूँ शिप ही नहीं मिलता तो जाने का कह लो बंद ही होता है मतलब। अभी आप समुंदर की लहरें देख सकते हो कितनी तेज है। अभी जो है दोस्तों मैं कादिकोय पहुंच चुका हूँ, काफी बड़ा ये शिप था जिसमें कह लो कादिकोय आए हैं, कोई 15 से 20 मिनट लगे हमें इधर पहुंचने में, 15 से 20 मिनट में कह लो ये जर्नी थी, और बहुत ही ज़्यादा जो है इन्जॉय किया इस जर्नी को। तो अभी इधर थोड़ा सा घूमता हूँ और फिर जो है वापस चले जाना है। वेरी फ्रॉम चाइना, वेरी फ्रॉम चाइना। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, 15 से 20 मिनट का जो था ये कल सफ़र था मेरा। तो चला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।